तो कैसे हैं दोस्तों आप? अगर आपसे पूछा जाए कि एटीएम के अंदर एसी क्यों लगा होता है, तो आप में से शायद ज्यादातर लोगों का यही आंसर होगा कि एटीएम के अंदर एसी कस्टमर्स के लिए लगाया जाता है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एटीएम में एसी क्यों लगा होता है, जबकि एटीएम के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं रुकता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दरअसल बैंक अपने एटीएम रूम में एसी अपने ग्राहकों को ठंडक देने के लिए नहीं, बल्कि एटीएम मशीन को ठंडक देने के लिए लगाते हैं। अब आप शायद ये सोचेंगे कि भला एटीएम मशीन को ठंडक देने की क्या जरूरत। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि एटीएम भी एक मशीन ही होती है। इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए लगा होता है, वो 24/7 चलता रहता है और लगातार काम करने के कारण कंप्यूटर में लगे माइक्रोप्रोसेसर और अन्य उपकरण या डिवाइसेस ज़्यादा हीट झेल नहीं पाते हैं, जिससे इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एटीएम मशीन के अंदर माइक्रोप्रोसेसर सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। हालांकि किसी भी माइक्रोप्रोसेसर का अपना एक सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि एक निश्चित हीट के बाद सर्किट को ब्रेक या ब्लॉक कर देता है, जिसको हम आसान भाषा में कंप्यूटर हैंग के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोप्रोसेसर और एटीएम के दूसरे पार्ट्स जलने से बच जाते हैं। एटीएम मशीन कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार 24 घंटे चलती रहती है, जिसके कारण हैंग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों एटीएम को ठंडा रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाया जाता है। तो दोस्तों यही कारण था जिसकी वजह से एटीएम रूम्स में एसी लगे होते हैं, मशीन को ठंडा रखने के लिए, ना कि ग्राहकों को ठंडा रखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।